हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जिसे बहुत ही शानदार माना जाता है। इस देश ने सभी अफ्रीकन देशों में सबसे पहले आजादी हासिल की और एक मजेदार बात यह है कि इस देश के लोगों को सबसे ज्यादा चमकीले कपड़े पहनने की आदत है। यहां लोग बहुत ही मेहनती और बिंदास होते हैं। बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद यहां के लोगों को एक ही वजह चाहिए होती है, मुस्कुराने के लिए। साथ ही यहां की कॉफी दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी मानी जाती है। एक ऐसा देश जिसके प्राकृतिक सुंदरता इसको सबसे ज्यादा खास बनाती है। यहाँ आपको दुनिया भर के सबसे ज्यादा तितलियाँ देखने को मिलेंगी और इसी देश में है दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड लेक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के देश घाना की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं खूबसूरत देश घाना की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ घाना। देश का बॉर्डर बुर्किना फासो, टोगो और कोटे द इवोइरो से मिलता है। देश की कुल आबादी है 3 करोड़ के आसपास। वहीं अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ 137 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिलते हैं। देश के 58% लोग इस शहर में रहते हैं, तो 42% गांव में। पहली बार इस देश को पुर्तगाली व्यापारियों ने ढूंढ कर निकाला था। कहते हैं कि वो समय था 1470 का, उसी समय जब पुर्तगाली व्यापारियों ने समंदर के रास्ते अलग अलग देशों की खोज की, तो उनमें से एक निकला घाना। खोजने के तुरंत बाद यहाँ पर उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। अगर आपको कॉफी पीना पसंद है और दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉफी पीनी है तो आपको उसके लिए घाना जाना पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में इससे अच्छा कॉफी कहीं और नहीं मिलता। कहते हैं कि पूरी दुनिया घाना की कॉफी का फैन है, तभी तो माना जाता है कि घाना की कॉफी पीने वाले इसके स्वाद को कभी नहीं भूल सकते। दुनिया के हर देश के नाम का कुछ न कुछ मतलब तो जरूर होता है, लेकिन आपको क्या लगता है घाना देश के नाम का क्या मतलब हो सकता है? आपको बता दूं कि घाना का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वॉरियर किंग। घाना का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ का हर इंसान अपने देश के लिए वॉरियर होता है और यही वजह है कि इस देश को वॉरियर किंग यानी कि घाना कहा जाता है। दोस्तों, घाना देश का एक ऐसा नियम है जो कि हो सकता है आपको अचंभित कर दे। ये नियम ऐसा है कि अगर यहाँ पर कोई भी लड़की विधवा हो जाती है तो ऐसे में उम्मीद की जाती है कि वो अपने पति के छोटे भाई से शादी कर ले। जी हाँ, यहाँ के लोगों की सोच ये है कि किसी भी विधवा महिला को किसी भी हाल में अकेले न रहने दिया जाए, नहीं तो हो सकता है कि वो अकेलेपन का शिकार हो जाए और कुछ ऐसा वैसा कदम न उठा ले। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोबारा शादी करनी है या नहीं, ये सिर्फ लड़की के ऊपर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, इस देश में विधवा हो गई औरतों के लिए एक और अलग नियम है। यहाँ पर जो लड़की विधवा हो जाती है उसे 1 साल तक काला कपड़ा ही पहनना पड़ता है। इस खास कपड़े का नाम है एंड्रिका। घाना में ऐसा माना जाता है कि इस कपड़े को पहनकर लड़कियां अपने आप को किसी भी गलत छाए से बचा सकती है। लेकिन एक चीज जो इस देश में बहुत गलत है वो है यहाँ की शादी के नाम पर लड़की वालों से दहेज। ये इस देश में इतनी बड़ी बीमारी की तरह फैल गया है कि यहाँ पर एक ही इंसान कई बार शादी करता है इस सोच के साथ कि बार बार उसे दहेज मिलता रहेगा। आज भी ये प्रथा यहाँ पर खुलेआम चल रही है। घाना के लोगों के बीच में रंग बिरंगी कपड़ा पहनना बहुत पसंद है। यहाँ के लोगों को लाल कपड़े, पीले कपड़े बहुत पसंद है और ये बेहद शौक से इसे पहनते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। लोगों का मानना है कि जब आप कलरफुल कपड़ा पहनते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है और आप हमेशा जवान महसूस करते हैं। तभी यहाँ लोग चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो बहुत ही चमकीला कपड़ा पहनते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि घाना देश में इंग्लिश भाषा के सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले लोग हैं। यही वजह है कि इस देश में जब बाहर से कोई आता है तो उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है बातचीत करने में। लिटरेसी रेट की बात करें तो घाना की लिटरेसी रेट है 79%, जो कि बाकी अफ्रीकन देशों के मुकाबले काफी अच्छी है। तो दोस्तों, जब भी बात होती है अफ्रीका के देशों की तो कई लोगों को लगता है कि ये बहुत गरीब होंगे, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। असल में दोस्तों, घाना बहुत अमीर देश तो नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि घाना बहुत गरीब देश भी नहीं है। इस देश ने पिछले 20 सालों में डेवलपमेंट का खूब काम किया है। घाना देश में सबसे पसंदीदा गेम है फुटबॉल। यहाँ के बच्चे जैसे ही स्कूल से घर वापस आते हैं वैसे ही ये फुटबॉल खेलने लग जाते हैं। इसलिए तो इस देश ने इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़े बड़े खिलाड़ियों दुनिया को दिए हैं, जिनमें से माइकल कोजो एसियन और असामोह ज्ञान। घाना देश ने कई बार फीफा वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया है। दोस्तों, इस देश के सबसे ज्यादा लोग किसान ही हैं। यहाँ के लोगों का आय का मुख्य स्रोत खेती ही है। घाना का लगभग 60% किसान है और अच्छे लेवल पर खेती करते हैं। साथ ही इस देश से तेल, कॉफी, मछली और हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट किया जाता है। घाना के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही मेहनती होते हैं। कम से कम ये एक दिन में 9 से 10 घंटे काम करते हैं और जो अपने खेतों में काम करते हैं वो अकेले ही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। इतना ही नहीं, घाना की औरतों के बारे में कहा जाता है कि
लड़की अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। यहाँ की सोच ही है कि चाहे आप खुद ही कितना भी कष्ट झेल लें, लेकिन आपसे किसी को कष्ट न हो। ये बात तो आप जानते ही हैं कि इस देश में ज्यादातर लोग किसान हैं। तभी जब भी इस देश में फसलों की कटाई होती है तो यहाँ पर त्योहार जैसा माहौल होता है, मानो कि यहाँ का नजारा ही अलग होता है उस समय। इस देश के इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है। घाना देश ने बीते हुए वक्त में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और गुलामी का बोझ भी इस देश ने झेला है। यहाँ पर भी यूरोप के लुटेरों ने बहुत तबाही मचाई थी, लेकिन सारे दुखों को सहते हुए इस देश ने एक एक करके सभी मोर्चों पर जीत हासिल कर ली और आज ये आजाद है और अफ्रीका का सबसे खास देश है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश ने 6 मार्च 1957 को अंग्रेजों से आजादी हासिल की और उसके बाद से इस देश ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। घाना एक शांतिप्रिय देश है और इस देश ने कभी भी किसी पर हमला नहीं किया। घाना पश्चिम अफ्रीका में स्वतंत्रता हासिल करने वाला पहला देश था। इसके बाद ही पश्चिम अफ्रीका के बाकी देशों को आजादी मिली। क्या आपको पता है कि घाना देश ने एक लड़ाई कुल मिलकर 77 सालों तक लड़ी। इस देश ने ये लड़ाई यूरोपियन आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ी थी, जिसकी शुरुआत 1823 में हुई थी और 1900 तक चली थी। दोस्तों, क्या आपने लेक वोल्टा के बारे में सुना है? अगर नहीं तो बता दूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा बनाया गया झील है। पश्चिम अफ्रीका का ये एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है। जब भी आप इस देश की यात्रा पर जाएं तो इस लेक का सफर जरूर करें। अब हम आपको घाना में घूमने वाले जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपको अपनी लाइफ टाइम में एक बार जरूर घुमाना चाहिए। अक्रा। अक्करा घाना की राजधानी होने के साथ साथ देश के सबसे आधुनिक और सबसे अच्छे शहरों में से एक है। जब भी आप इस शहर में घूमने आएंगे तो आपको प्राकृतिक सुंदरता का एक ऐसा अनुभव होगा जो शायद आप अपने पूरे जीवन में कभी नहीं पाए होंगे। आपको यहाँ ऐतिहासिक इमारत के साथ साथ चहल पहल से भरे बाजार देखने को मिलेंगे। यहाँ के बाजार में इतनी रौनक होती है कि आप यहाँ पर कभी भी बोर नहीं होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस शहर में बने जेम्स टाउन और अन्य स्मारकों को देखते हुए आपका समय कब बीत जाएगा ये आपको खुद पता नहीं चलेगी। आपको इस शहर में मकोला मार्केट, राष्ट्रीय संग्रहालय, कोको बीच जैसे कई आकर्षक जगह देखने को मिलेंगे, जहां आप खुद को रिफ्रेश कर सकेंगे। काकुम राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता ही है कि घाना प्राकृतिक रूप से बहुत ही संपन्न देश है। इस देश में आपको विभिन्न प्रजातियों के पौधों और जानवरों को देखने को मिलेंगे। उनमें से सबसे खूबसूरत जगह है काकुम नेशनल पार्क। जब भी आप इस पार्क में जाएंगे तो आपको यहाँ भैंस, मिर्किट, सिविट, हाथी और पक्षियों के कई प्रजातियों को देखने को मिलेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको इस गार्डन में देखने को मिलेंगे 650 से भी ज्यादा तितलियों की प्रजातियाँ। यहाँ आपको रंग बिरंगी छोटी बड़ी सभी तितली देखने को मिलेंगी। ऐसा कहा जाता है पूरी दुनिया में इतनी प्रजाति के एक साथ तितली मिलना संभव नहीं है, तो देर किस बात की, आप भी शामिल हो जाइए इस तितली की दुनिया में सैर पर। नेक्स्ट इज कुमासी। कुमासी वो शहर है जो घाना की गुलामी के समय इस देश की राजधानी हुआ करती थी। ये शहर इस देश की दूसरी सबसे बड़े शहरों में से एक है। अगर आप घाना जाते हैं तो कुमासी शहर आपको जरूर घूमना चाहिए, क्योंकि इस शहर से ही आपको घाना के इतिहास और प्राचीन वास्तुकला के बारे में पता चलेगा। कुमासी शहर खरीदारों के लिए सबसे बेस्ट जगह है जिन्हें शॉपिंग का शौक है। उन लोगों के लिए घाना में इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। ये शहर सोने के गहने, कांटे के कपड़े, लकड़ी के स्टूल और अन्य शिल्प सामानों के लिए फेमस है। साथ ही आप इस शहर में बने मनहिया पैलेस संग्रहालय घूम सकते हैं, जहां आपको घाना के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट इज बसुआ बीच। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि घाना समुद्र के बहुत ही करीब है, इसलिए इस देश के बीचेस की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो बात बसुआ बीच की है वो शायद ही आपको और कहीं देखने को मिलेगी। बसुआ एक बहुत ही खूबसूरत समुद्र तट है, जहां आप धूप सेक सकते हैं और ताजा पका हुआ झींगा मछली खा सकते हैं। ये वो जगह है जहां लोग सर्फिंग सीख सकते हैं और रोमांचक समुद्री गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। ये स्थान कई शानदार रिजॉर्ट्स के लिए भी जाना जाता है, जो समुद्र तट के बहुत करीब स्थित है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप हॉलीडे डेस्टिनेशन के रूप में बसुआ बीच को चुनते हैं तो आप कभी निराश नहीं होंगे। नेक्स्ट इज जूले जू घाना। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि ये जगह घाना में मौजूद सबसे अनोखी और खूबसूरत जगहों में से एक है। अंग्रेजी में इस नाम का मतलब है पानी की सतह। यहाँ घरों को एक लैगून पर बनाया गया है, जो सभी घरों को स्टिल्ट पर रखा गया है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ लोगों को गांव के लोगों के रहन सहन और उनकी जीविका का अनुभव करने के लिए जाना चाहिए। यहाँ पर्यटक लैगून के ऊपर बैठे होटलों में भी क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। पर्यटक इस स्थान पर सुंदर वातावरण के साथ तैराकी, गोताखोरी, नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। पानी और घरों के अलावा पर्यटक अक्सर इस जगह पर मगरमच्छों और बंदरों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और घाना में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा लगभग 3 से 5 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको घाना घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1,40,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, घाना की करेंसी है घानियन सीडी, जिसकी वैल्यू लगभग 10.10 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था पश्चिमी अफ्रीका के सबसे खूबसूरत देश घाना। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया है इस देश को? और अगर किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।